ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। क्या बात है मुनीम जी? अब बातों का वक्त नहीं रहा गंगाराम, लातों का वक्त आ गया है। 6 महीने का किराया चुका दो, नहीं तो घर खाली कर दो। मुझे 1 महीने का समय और दे दीजिए मुनीम जी, मैं पाई पाई चुका दूंगा। गंगाराम, आज तुम्हारे हाथ जोड़ने या गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं होगा। किराया नहीं दिया तो सामान उठा के बाहर फेंक दूंगा। दया करो मुनीम जी, मैं लंगड़ा आदमी कहाँ जाऊंगा। अजी जहन्नम में जाओ, मुझे क्या करना है इससे। चलो जी सामान उठा के बाहर फेंको इनका। अंधेर नगरी है क्या? चाहे जिसके घर में घुस के सामान निकाल के फेंक दो। देख सरला, मैं क्यों ना आऊं? है किसी माई के लाल में हिम्मत जो अंदर घुस के सामान निकाल के फेंके? देख सरला, तू बीच में मत आ वरना अच्छा नहीं होगा। अरे यही तो देखना है कि तू कितना बुरा कर सकता है। सरला जा भी। बाबा देखो ना, तू घर जा, मैं देखता हूँ। ये अन्याय है मुनीम जी। मैं गंगाराम का पड़ोसी हूँ और कान खोल कर सुन लो कि मैं अपने पड़ोस में ये जुल्म या अन्याय नहीं होने दूंगा। तुम किसी अपाहिज जो बेसारा को इस तरह बेइज्जत करके घर से नहीं निकाल सकोगे। केदारनाथ देखो, मैं तुमसे कह देता हूं। मुनीम जी, केदार बाबू ठीक कहते हैं। अगर हमें गंगाराम के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। आप चलिए मेरे साथ। छोटे सरकार, आप इन लोगों को नहीं जानते। हम इनको जानते हैं, मगर छोटे अगर मगर कुछ नहीं। आप चलिए चलिए ना, बैठिए गाड़ी में। बहुत बहुत धन्यवाद केदार बाबू, आज आपने मेरी इज्जत बचा ली। ये गरीब के पास बचाने को और होता ही क्या है गंगाराम? पिघल गया रे ज्वालामुखी, पिघल गया। उस देहाती अल्लड़ जवामुख की ज्वाला से ज्वालामुखी पानी हो गया। उसका नाम क्या है रे? सरला छोटी सरकार। सरला ले आऊं? मैं कल ही धर्मपुर जा रहा हूँ लड़का देखने। तो भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द तेरे हाथ पीले करके तुझे तेरे घर रवाना कर दूंगा। अरे बेटा विक्रम जी, एक काम कर, वो मेरे कुर्ते में कागज की पुड़िया है, जरा बोलिया ना। हाँ जी। ये लो बाबा। ले बेटी, ले बेटी, संभाल के रख इसको। ये क्या है बाबा? ये लक्ष्मी है बेटा, ये वो शक्ति है जिससे सारी दुनिया चलती है।
और अगर ये ना हो तो दुनिया की हर चीज अपनी जगह पर रुक जाए। ये किसके लिए है बाबा? तुम्हारे लिए बेटी, ये तुम्हारी माँ की निशानी है। वो अक्सर कहा करती थी कि जब मेरी बेटी बहू बनकर किसी घर में जाएगी तो ये लक्ष्मी उसके गले में पहना के भेजना। तो क्या हुआ बाबा, तुम्हारी बस उस मोड़ तक जाएगी और मैं घर पहुंच जाऊंगी। अच्छा बेटी बोल, तेरे लिए शहर से क्या लाऊं? हरे लाल कांच की चूड़ियां बोल। अच्छा बेटी मैं चलता हूं, कल सुबह तक घर लौटोगे ना बाबा? तू जा। मुनीम जी, छोड़िए मेरा रास्ता। अभी रास्ता का तेरे बाप का दरबच्चा है जो छोड़ दूं? हैं? बस्ती में तो बड़ा जोर दिखा रही थी, यहां दिखावे तो जानूं। हट जाओ मेरे सामने से, वरना मैं चिल्लाऊंगी। चिल्ला मेरी कोयल, मैं चिल्ला, भाग मेरी हीरी मन। छोड़ दो मुझे। ये छोटे सरकार कहां से आ गए? मुनीम जी। जी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, रास्ता चलते गांव की लड़कियों को छेड़ते हो तुम। भूलोगे छोटे सरकार, माफ कर दीजिए। बकवास बंद करो, मैं बड़े भाई साहब से कहकर आज ही तुम्हें काम से अलग करवाऊं। नहीं नहीं छोटे सरकार, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। दफा हो जाओ, जाओ। जी सरला, ठीक हो ना? जी छोटे सरकार। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। ये आप जंगल की तरफ कहाँ जा रहे हैं? क्यों डर लगता है हमसे? जी मुझे देर हो रही है, मेरे भाई अकेले हैं घर पे। हमारे अकेलेपन का बिल्कुल ख्याल नहीं। ऐसी बातें ना कीजिए छोटे सरकार। सरकार तो हम औरों के लिए है, इस वक्त तो तुम हमारी सरकार हो। जब से तुम्हें देखा है फिदा हो गए तुम पे। भगवान के लिए गाड़ी रोक दीजिए, मुझे जाने दीजिए। तुम चली जाओगी तो जान चली जाएगी, तुम जैसे फूल को पाके खोना सीखा। तुम आ गई दीदी, हम लोग कब से तुम्हारी राह देख रहे थे, मुन्ना तो भूखा ही सो गया। नहीं दीदी मैं जाग रहा हूँ। अरे क्या बात है दीदी, तुम चुप क्यों हो, तुम्हें क्या हो गया है दीदी? दीदी तुम रो क्यों रही हो, क्या किसने तुम्हें मारा है? अरे मारने वाले को जान से ना मार डालूं, जरा नाम तो बताओ दीदी। नहीं नहीं मुझे किसी ने नहीं मारा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नसीब के मारों को भला कौन मार सकता है? विक्रम? बाबा बाबा दीदी दरवाजा ही नहीं खोलती। हाँ बाबा दीदी दरवाजा ही नहीं खोलती। और ये छतरी पकड़। सरला बेटी, सरला दरवाजा खोलो बेटी। सरला 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 क्या? हाँ हाँ अपने घर में गले में फंदा डाल के मर गई वो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है छोटे सरकार, अगर बड़े सरकार को मालूम हो गया तो हम सब बेमौत मारे जाएंगे। बड़े भाई साहब को किस तरह मालूम पड़ेगा?
तुम नहीं बोलोगे मैं नहीं बताऊंगा, और अगर किसी और को ये बात मालूम है उसे खरीद लो। जब लड़की ने जान दे ही दी है तो उसे बदनाम करने से क्या फायदा। रणवीर, अगर तुम मेरे भाई ना होते तो मैं तुम्हें गोली मार देता। और तुमने वो हरकत की है जिसने इस खानदान को सदा के लिए दागदार कर दिया है। भाई साहब मेरी बात तो सुनिए, अब चाहे कुछ हो जाए मैं तुम्हें इस करनी की सजा दिलवा कर ही रहूंगा। मैं अभी पुलिस को बुलवाता हूँ। भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं जेल नहीं जाना चाहता। भाई साहब भगवान के वास्ते मुझे माफ कर दीजिए। भाई साहब ये क्या किया आपने, बड़े सरकार का खून कर दिया। एक आत्महत्या दूसरी हत्या, अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, आप अपनी जबान और अपने होश काबू में रखिए। आत्महत्या के लिए किसी को फांसी नहीं होती, और हत्या के लिए जरूरी नहीं कि करने वाले को ही सजा मिले, उसी को सजा मिलती है जो पकड़ा जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम किसी तरह सरला के पिता को इस बात का यकीन दिला दो कि उसकी बेटी के साथ बलात्कार भाई साहब ने किया है। दीनदयाल, कुत्ते कमीने वासना के भेड़िए, तेरी भूख हमेशा के लिए मैं मिटा देता हूं। बड़े सरकार का खून कर दिया इसने, पकड़ो इसे। ये अदालत केदारनाथ वल्द अमरनाथ को दफा 302 ताजीरात हिंद के तहत दीनदयाल वल्द रामदयाल के खून के जुर्म में उम्र कैद की सजा देती है। कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन तू फिक्र क्यों करता है? मैं हूं ना, तुझे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। भैया मुझे प्यास लगी है। गाड़ी को रुकने दे, मैं तेरे लिए पानी ले आऊंगा। हाँ मुन्ना, तुझे प्यास लगी है ना? हाँ मैं अभी तेरे लिए पानी लाता हूँ। चमत्कार हो गया खान भाई,
वरना ट्रक ऊपर से गुजर जाए और जरा भी चोट ना आए। अरे लालू, अगर वो चाहे तो पानी में आग लगा दे और आग से पानी के फवारे चला दे। अरे बेटे, तू ये सड़क पर अकेले किधर भाग रहा था? मुझे मेरे भैया के पास जाना है। तुम कौन से गांव से आया है बच्चे? मालूम नहीं। तुम्हारा कोई और है? कोई भी नहीं, दीदी चली गई, पापा चले गए और मेरे बड़े भैया चले गए। कोई बात नहीं बच्चे, चुप हो जाओ। लगता है बच्चा अपनों से बिछड़ गया है। परवरदिगार की मर्जी के आगे किसी का कोई पस नहीं चलता। लालू, बच्चे का पोटली उठाओ। क्यों, कर गया हरकत? बचाया खुद और सौंप दिया हमको? कोई बात नहीं, हम भी पठान है, तेरी बख्शिश पर आंच नहीं आने देगा। चल बच्चे चल, तू मेरे साथ चल। मुन्ना, 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 पार्वती बहन। अरे खान भाई, ये किसे ले आए? अरे किसी हिंदू का बच्चा है, ये देखो। लेकिन ये नहीं मालूम कि किसका बच्चा है। हम इसको बहुत पूछा लेकिन ये कुछ नहीं बता पाया। ट्रक के नीचे आ गया, फिर भी बच गया। लगता है कि जैसे खुदा का बेटा हो। फिर तो इसका नाम अमर होना चाहिए। ओए बिल्कुल ठीक, शेर खान का लगते जिगर अमर खान। मैं बिहारीलाल दुबे बोल रहा हूँ। बिहारी सेठ, विक्रम हीरो का बैग लेकर अपनी गाड़ी में भाग गया, उल्लू का पट्टा। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम।
हैंड्स अप। अरे ब्रदर, अपुन तो नकली बंदूक के साथ मस्करी कर रहा था, अगर असली होता तो अपुन फिनिश। अरे पीटर, तुम यहाँ इस वक्त? अरे पीटर का हीटर बनाकर मीटर काय को देखता है? ब्रदर, अपुन 6 बजे से इधर तुम्हारा वेट करे। पीटर, तुम तो जानते हो मेरा धंधा कैसा है। सुबह जब घर से निकलता हूँ तो ये भरोसा थोड़ी होता है कि शाम को लौटूंगा। खैर, तो अच्छे वक्त पे आ गया, आज मैंने बहुत लंबा हाथ मारा। ये ले, ये 20,000 है, कल सुबह दयानंद अनाथ आश्रम में जाके दे आना। और हाँ, उनको ये पता नहीं लगना चाहिए कि ये रुपये किसने भेजे, समझे? समझ गया। अरे ब्रदर, तुम्हारा भी आंसर नहीं, मेरा मतलब जवाब नहीं। जो ये पैसा कमाने के लिए डेंजर से डेंजर काम करता है, उसे जब गरीबों में बांटता है तो अपना नाम भी छुपा लेता है। अब उनको ऑर्फनेज से उठाया, पढ़ाया लिखाया, एक रिस्पेक्टेबल आदमी बनाया। सच ब्रदर, अपन कितना लकी है जो तुम हमारा दोस्त है। पीटर, दोस्त तो मैं हर अनाथ का हूं, क्योंकि मैं खुद अनाथ हूं। बस दिन रात यही प्रार्थना है, जिसका मैं बड़ा भाई हूं, भगवान करे वो अनाथ ना हो। परवरदिगार, तेरा दिया हुआ बचपन हमारे हाथों में पलकर जवान हुआ। अपने लगते जिगर के लिए एक ही दुआ मांगता हूं, किसी बंदे के आगे इसका सर न झुके और तेरे आगे कभी इसका सर न उठे। बाबा, आप अल्लाह मियां से हमेशा कुछ मांगते ही रहते हैं। कोई कौन खबीस मांगता है, सब कुछ खुदा ने दे दिया तुझको भेज कर, अब तो बस तुम्हारी सलामती की दुआ मांगता है। अगर हर दुआ कबूल होती हो तो दुआ मांगिए, मेरा भाई मुझे मिल जाए। बच्चे, ये दुआ तो हम सुबह शाम करता है, लेकिन उसकी अदालत में वक्त से पहले कुछ कबूल नहीं होता। लेकिन ये वक्त कब आएगा बाबा, कितने साल बीत गए। उस पर यकीन रखो मेरे बेटे, लेकिन हम इतना यकीन दिलाते हैं कि तुम दोनों भाइयों का मिलन देखे बिना ये आंख बंद नहीं होगी, एक आस सांस जरूर बाकी रहेगी। किसी के तो लोग करे बदनामी, बड़े गुलफाम
नौजवानों मस्तानों, अभी तक जो आप देख रहे थे वो खेल था, अब जो मैं आपको दिखाऊंगा उसको कहते हैं तमाशा। अब आप लोग पूछेंगे ये तमाशा कैसा? कदरदानों, ये कोई जादू का खेल नहीं, ना ये मेस्मेरिज्म है। जरा एक मिनट अभी देता हूं। अब जो तमाशा मैं आपको दिखाने वाला हूं वो ये है। टोपी मास्टर, कोट वाले साहब, और धोती वाले साहब, और वो कहां गए? हाँ, चश्मे वाले साहब, आप चारों अपनी जेबें टटोल कर देखिए। क्या आपकी जेब में आपके बटुए हैं? कैसे हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपके बटुओं को उड़ाकर इस पोटली में डाल दिया है। देखिए, एक दो, हाँ ये रात तीन। ये कोई जेब काटने का धंधा नहीं है साहब, इसे हाथ की सफाई या हाथ का खेल कहते हैं। अब आप लोग चाहें तो ताली मार सकते हैं। लीजिए, ले लिया ना बदला, मिटके भड़ा दिल की, गरीब के चूल्हे को बुझा देना महीने भर के लिए। शर्म नहीं आती तुझे? मजमा लगाकर अपने छोटे भाई से लोगों की जेबें कटवाती फिरती है। अरे भाषण तो ऐसे दे रहा है जैसे छह महीने का राशन भर के आए मेरे घर में। अरे छोटे भाई को लेकर ये गरीब लड़की पेट पालने के लिए चोरी चकारी नहीं करेगी तो और क्या करेगी? अरे तू जा यहाँ से, तूने अपना तमाशा दिखाना था दिखा लिया, अब तू मेरा खेल देखना। रणवीर सेठ, हाँ बिहारी, कैसे आना हुआ? ये आपसे मदद मांगने आया। मदद? विक्रम नाम का एक आदमी है जिसके बारे में कुछ तो आपने भी सुना होगा, जानते होंगे। काम की बात करो बिहारी, मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ सेठ, इस विक्रम ने मेरा जीना हराम कर रखा है। मेरा माल या तो लूट लेता है या पकड़वा देता है, अकेला मैं जरा हल्का पड़ रहा हूँ। ये कौन सा मुश्किल काम है? प्रेम जी, जी जरा विक्रम को खबर कर दो कि कल ठीक 12 बजे डबल हाईवे से बिहारी का माल जा रहा है। मगर रणवीर सेठ, कल तो मेरा माल चाल है, ये दुश्मन को फांसने के लिए जाल है। माफ कीजिए, मेरी गाड़ी जरा खराब हो गई है, आपके पास पानी का सेट है? जरा सी चूं भी की तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मगर क्यों, कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें? माल कहाँ है? माल? कौन सा माल, कैसा माल? मैं अच्छी तरह जानता हूँ इस ट्रक में बिहारी का माल पूना जा रहा है। बताओ कहाँ है वो माल? पीछे। अरे एक अकेले को बहुत सारे मिलकर मार रहे हैं। छोटू तू गाड़ी वहां से लेकर आ, मैं देखता हूं। Thank you.
बच्चे कहाँ जा रहा है? एक तो खा के जा, जा, अबे फिर मार दे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, अगर आज तुम ना आते तो मैं गया था। कौन हो तुम? कमाल कर रहे हैं आप, दोस्त भी कह रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि कौन हो तुम। नहीं, मेरा मतलब है नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम है अमर खान। अमर? ये अमर के साथ खान कैसे? भगवान की इस रचना को खुदा के बंदे ने पाला है, इसलिए अमर के साथ खान लग गया। अरे बहुत खून बह रहा है। जय राम जी की। आओ राजपत, ये मेरा दोस्त राजपत है, बंबई में पान लगाता है और बनारस में नौटंकी चलाता है। और हम इनके ऐसे वैसे दोस्त नहीं हैं, ये हमारे राम हैं तो हम इनके हनुमान हैं। और मेरा नाम विक्रम है, जब तक मैं जिंदा हूँ अमर तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कैसी बात कर रहे हैं आप, मेरे बाबा कहते हैं कि एहसान खुदा करता है, उसके बंदे नहीं। मुझ पे तो दोनों ने किया है, खुदा का एहसान है कि तुम जैसा दोस्त मिला और तुम्हारा एहसान है कि मैं जिंदा हूं। हम दोनों का जरूर कोई पिछले जन्म का रिश्ता होगा। रिश्ता जरूर है बड़े भाई। बड़े भाई? चाहे पिछले जन्म का हो या इस जन्म का। कहां रहते हो? जामली मोहल्ले में शेरा गैराज है, वहीं अपना अड्डा है। और मेरा पता ही है, मिलते रहना। जरूर मिलूंगा, चलता हूं। ब्रदर क्या बात है, आज बहुत हैप्पी नजर आता है। हाँ बेटा, आज एक ऐसे शख्स से मुलाकात हो गई, दिल खुश हो गया। ब्रदर तुम इतना खुश है और अपुन एक सीरियस प्रॉब्लम लेके आया है, तुमको अपुन का मदद करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ जरूर करेगा, बोल क्या चाहिए, आज जो जी चाहे मांग। ब्रदर आज तुमको थोड़ा एक्टिंग करना पड़ेगा। एक्टिंग? हाँ ब्रदर, तुमको शाम को 7 बजे सनसेट होटल जाना पड़ेगा, उधर एक छोकरी आएगा रोजी, उसको मिलने के वास्ते। ये क्या चक्कर है तेरा? ब्रदर वो रोजी का माँ बाप अपुन का शादी रोजी के साथ जबरदस्ती करना मांगता है, पर अपुन शादी के लफड़ों में पढ़ना ची नहीं मांगता। तो रोजी अपुन को देखने के वास्ते आएगा सन एंड सैंड में। देखने के वास्ते? हाँ ब्रदर, अपुन ने उसको नहीं देखा, उसने अपुन को नहीं देखा। ब्रदर तुम एक ही चिक काम करो, उधर पीटर बन के जाओ, यानी कि हम, और कोई ऐसा चक्कर चलाओ कि वो तुमको पीटर समझकर हेट करे, डिसलाइक करे और शादी का बाद खुद ही ब्रेक कर दे। तो ये सब तुम खुद ही क्यों नहीं कर लेते? ब्रदर तुम तो जानता है कि छोकरी के सामने जाते ही अपुन का हाथ पांव ठंडा होने लगता है। ब्रदर करेगा ना? तुझे आज तक कभी ना कहा है मैंने? थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। क्या नाम है उस लड़की का? रोजी। रोजी। प्रिया तुम हमसे जास्ती इंटेलिजेंट है, जास्ती स्मार्ट है, बंबई का सबसे लीडिंग मॉडल है। वो तो है प्रिया, पीटर हमको सानन सान में मिलने को आएगा, वो हमारा सूरत कभी भी नहीं देखा। तुम अगर हमारा जगह सानन सान चले जाएगा, उसका ऐसा इंसल्ट करेगा, उसको ऐसा एक्टिंग बताएगा कि हम उसको बहुत हेट करता है, तो फिर वो खुद मैरिज को ब्रेक कर देगा और फिर हमारा लाइफ जॉन का वाइफ बनकर हेवन बन जाएगा। प्लीज प्रिया। ओ, तो डियर तुम चाहता है कि हम रोजी बनकर होटल सन एंड सन में जाए और उसका इंसल्ट कर दे? राइट राइट, तो कर देगा। May I help you? आप बता सकते हैं यहाँ कोई मिस्टर पीटर? मिस्टर पीटर? Yes. Oh yes. He is there. My God, ये है पीटर? रोजी यू फूल, इतना हैंसम लड़का तुझे कहाँ मिलेगा? Anyway, ड्यूटी इज ड्यूटी। Excuse me. आप मिस्टर पीटर हैं? जी हाँ, मैं ही पीटर हूँ। और आप? रोजी। रोजी? आइए आइए। पीटर, उल्लू के पट्टे तूने इस लड़की के लिए ना कर दी। यू बीस्ट, यू रिफ्यूज दिस ब्यूटी।
बैठिए। थैंक यू। दरअसल मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। और मैं भी आप ही का ढूंढ रही थी। What will you have? Some cold drink or tea, coffee? Anything you like. ऐसे। Waiter? रिया ये क्या कर रही है? तू तो झगड़ा करने आई थी। One coffee. मिस्टर विक्रम ये लड़ाई करने का कोई तरीका है? पक्का प्रिया पक्का। Come on, attack! ये घूर घूर के क्या देख रहे हैं आप? पहले कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी? खूबसूरती का मतलब ये नहीं कि दिन भर शीशे के सामने खड़ी रहो और कोई बेचारा इंतजार में बैठा अपनी आंखों को पेंडुलम की तरह इधर से उधर और उधर से इधर घुमाता रहे। आई लाइक दैट। यू लाइक दैट? ऑफकोर्स। लेट आना तो अच्छे घर के लड़कियों की निशानी है। बट आई डोंट लाइक दैट। लड़कियाँ पीटर का इंतजार करती है, पीटर किसी का इंतजार नहीं करता। और क्या क्या लाइक नहीं करते आप? लगे हाथों वो भी बता दीजिए। सुन लीजिए, मुझे वो लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं जिनकी जबान से वर्ड्स के बजाय नीडल्स निकलती हैं, सुइयां निकलती हैं। आप ये अपनी सिगरेट बंद करेंगे? मुझे धुआं बिल्कुल पसंद नहीं। पसंद नहीं तो फिर साफ साफ सुन लीजिए, मैं सिगरेट पीता हूँ और चेन स्मोकर हूँ, स्कॉच भी पीता हूँ और रात को देर से घर लौटता हूँ। मेरा मिजाज कभी बर्फ की तरह ठंडा रहता है और कभी एटम बम की तरह फूटता है। फिर तो मैं भी आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। बोलिए। मैं पहले भी 4 बार शादी की कोशिश कर चुकी हूँ। 4 बार? यस। पहला लड़का शादी से 1 महीने पहले मर गया। गॉड ब्लेस हिज सोल। दूसरे को कैंसर हो गया, बच गया। तीसरे ने गाड़ी के नीचे आकर सुइसाइड कर लिया। और करता भी क्या। और चौथा? इन सब का हाल सुनकर पागल हो गया। ओ गॉड, मैं ऐसी लड़की से हरगिज शादी नहीं करूंगा जिसके पास मौत की एजेंसी हो। और मैं भी ऐसे आदमी से शादी हरगिज नहीं करूंगी जो कावड़ हो, डरपोक हो। लिसन लिसन लिसन, डोंट कॉल मी दैट बेबी। एंड यू आल्सो डोंट कॉल मी बेबी। तो क्या आंटी बोलूं? शट अप प्लीज प्लीज। शट अप सर। यू डू मैडम। मैडम मैं भी जाकर अपने पेरेंट्स से कह दूंगी ये शादी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कह दोगी तो मैं 14 दिन तक चर्च में जाकर रोज 2 कैंडल जलाया करूंगा। आपका निशाना तो काफी खराब है। यू सीम टू बी कॉकाइड। ओह यू, यू मिस्ड अगेन। बाय 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 बाय। हाँ तो एक दिन अकबर बादशाह ने तानसेन से पूछा, पता तानसेन सुपारी कच्ची खाए बागे पक्की। तो क्या अकबर बादशाह तानसेन का पान लगा रहे थे? अरे ना ही लल्लू, हम तो से पूछत रही। कच्ची पक्की दोनों गेर दे। हाँ, हाँ, तो अकबर बादशाह ने तानसेन से पूछा कि ए तानसेन पता संगीत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सिवाय राजपद के और कौन हो सकता है? आए अमर भैया, लगाओ हमार करेजुआ में चोट, हमका संगीत का दुश्मन कहा था। एक बार हमारा गाना सुन तो ले, लेकिन तुहार पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है। मिल गई राजपद भाई, मिल गई। अरे कहाँ मिल गई, मिल गई चिल्लात है। तानसेन की फोटो तुम अपनी दुकान में लगाना चाहते थे ना? अरे कहा तो हम तो संगीत हाँ। सम्राट के दर्शन के लिए तड़पद है, जल्दी दिखा। देखो दर्शन का असली मजा लेना है हाँ। तो अपनी आंखें बंद करो। अच्छा मैं इसको वहां लगाता हूँ। अरे आंखें का सांस भी बंद कर ले, जल्दी कर। सारी जिंदगी देखने के लिए तड़पत रहे, सारा हिंदुस्तान छान मारा, लेकिन कहीं तस्वीर देखने के ना ही मिली। राजपद भाई, हाँ, अब देखो। अच्छा देखा था। अरे इस असुरे कहाँ पे भाग गए? वस्त्रहीन नारी मारा गया ब्रह्मचारी। उठाकर पहन ले जाने, सोने की जंजीर सोनी के गले के लिए है। ये सोनी का नहीं, सोने का गला है। अरे ऐसी जंजीरों पे तो थूकती भी नहीं सोनी। शंभो दादा को जानते नहीं शायद, इस इलाके में तो लोग नाम सुनते ही दुम दबाकर भाग जाते हैं। वो लोग नहीं चूहे होंगे, मैं सोनी हूँ। मेरा नाम सुनकर लोग भागते नहीं, जमा हो जाते हैं और फिर झूमने लगते हैं। हाय इसी अदा पर तो मर मिटे हम। अरे चल चल रास्ता नाप अपना। अरे छोड़, आजकल तेरा धंधा कैसा चल रहा है? धंधा? धंधा तो मंदा ही चल रहा है। सुन तू वैसे बुरा नहीं है, मेरा एक काम करेगा? जी जान जहान बोल, क्या चाहिए तुझे? वो एक सरपरा सुल्तान है,
खामखा की हुकूमत चलाना चाहता है मुझ पर, उसकी नियत और इरादे ठीक करने। समझ ले तेरा काम हो गया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है अमर। अमर? हाँ। वो जामली महल्ले वाला? हाँ वही। तू घर जा। हाँ। मैं निपट लूंगा उससे। हेलो अमर बाबू, अपना सामान। धंधा कैसे चल रहा सरदार जी? आजकल बहुत कंपटीशन चल रही है महाराज। एक गल दसो अमर बाबू। हाँ जी। तुम्हारा फिल्म मैनेज कोई जान पहचान वाला है? अरे हाँ, वो डायरेक्टर रवि टंडन है ना। हाँ जी। उन्हें दी गड्डी आंधी सारे कोल कदी कदी। ये साढ़े काम करो ना सोने हो, साढ़े इस मुंडे ने हीरो ते बना दियो। एनु फिल्म लैने कोई सरदार ते हीरो है नहीं, उते कंपटीशन का सवाल ही नहीं हो। मैं गल करांगा रवि जी नाल। चंगा, सत श्री अकाल। माफ करना भाई साहब। तुझे माफ नहीं करूंगा। क्या मतलब? मतलब तो सोनी समझाएगी, मैं तो सबक सिखाऊंगा, सराफत का सबक। किस कुएं के मेंढक हैं आप? अभी बताता हूं। होटल इमरान से बोल रहा हूँ। बेमान नहीं, वो होटल इमरान। कमीने, साला गाली निकालता है। बोल बोल, छोड़ो से। मैं कहता छोड़ो से। हम खोल मास कहीं का। चल पुलिस स्टेशन। इसने तो मेरा बेड़ा गर्क कर दिया है। खान साहब, ये तो आपकी शराफत और इज्जत को देखते हुए मैंने इसे छोड़ना मंजूर कर लिया, नहीं तो ऐसे गुंडे को 4-6 महीने अंदर की हवा खानी पड़ती। आपका बहुत मेहरबानी इंस्पेक्टर साहब, हम आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एहसान की बात नहीं है खान साहब, इस इलाके में आपको कौन नहीं जानता। लोग आपकी नेकनामी की कस्में खाते हैं। मैंने सोचा था जिससे आपका दूर का रिश्ता होगा उसमें अच्छाइयां ही अच्छाइयां होंगी, मगर आपका अपना कोई ऐसी हरकत करेगा ये तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे खान भाई, अमर कहाँ है? अमर बेटा, कैसा है तू? शेर खान का इज्जत कितना बढ़ गया आज, पुलिस चौकी में भी उसका नाम लिखा गया। गुंडे आवारा अमर का बाप शेर खान। पार्वती बहन हमेशा कहा करती थी कि खान भाई, अमर बड़ा होकर एक दिन तुम्हें हज कराने ले जाएगा। उसको क्या पता था कि अमर बड़ा होकर अपने बाप को थाने ले जाएगा। जो जगह हम जिंदगी में आज तक नहीं देखा तो हमारे बेटे ने हमको आज दिखा दिया। हम बहुत खुश है, अमर बहुत खुश है। इतना खुशी दिया हमारा बच्चा कि हम उसको संभाल भी नहीं सकते। मुझे माफ कर दो बाबा। अमर, रोशनी के बिना सूरज, पानी के बिना समुंदर और इज्जत के बिना पठान किसी काम के नहीं रहते। हमारी आंखों में देख, इनमें एक पठान मर रहा है जो गर्दन अल्लाह मियां के सिवाय और किसी के सामने नहीं झुकी थी, आज तुमने उसे सारी दुनिया के सामने झुका दिया। बाबा, मैं जानता हूं कि मेरी वजह से आपको बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी, इसलिए मैं यहां से चला जाता हूं बाबा। और कितना रुलाएगा रे, अपने बाबा को कितना रुलाएगा। हमारा इज्जत, हमारा नाम तो खाक में मिला दिया, अब जाकर जान भी लेगा हमारी।
बाबा ये है हमारा वेडिंग इनविटेशन कार्ड। वाओ, रोजी वेड्स पीटर। पीटर? तेरी शादी पीटर से हो रही है? क्यों, वो इतना बुरा है क्या? नहीं नहीं, वो तो बहुत हैंडसम है, लेकिन तू तो जॉन से प्यार करती थी ना? अरे यार, हमने सोचा काय को मामी और डैडी को टॉर्चर करने का, शादी ए से हो या बी से, बेबी और बाबा ही तो प्रोड्यूस करने का है। हाँ। कर देगा। अच्छा सुन, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, जरूर आना। हाँ प्लीज। जरूर आऊंगी, जरूर आऊंगी। Come on, my boy, get ready. ये तो धोखा है, सरासर धोखा है पीटर। वो बंदरिया जो दुल्हन बनी हुई है वो रोजी नहीं है। हाँ? ये धोखा है रोजी, सरासर धोखा। जो लंगूर दूल्हा बना हुआ है वो पीटर नहीं है। हाँ? रोजी तो वो है जो उसके साथ खड़ी है रेड ड्रेस में। अब मैं बात करती हूँ। मैं जाके देखता हूँ। बड़े धोखेबाज हैं आप, अनार दिखाकर गोभी बेचते हैं। क्या मतलब? अपने आप को सामने लाकर अप्रूव कराकर आप उस लंगूर से मेरी सहेली की शादी करा रहे हैं। जबान संभाल के मेम साहब, वो मेरा दोस्त है और दरअसल वही पीटर है। पीटर वो है? तो फिर आप कौन है? मैं विक्रम हूँ। और आप? मैं प्रिया हूँ, रोजी की फ्रेंड। इसका मतलब है हम दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया। फिर भी धोखा था काफी खूबसूरत। मनचाही लड़की, मनचाही लड़की, मनचाही लड़की, कहीं कोई मिल जाए। अपना भी इस साल शादी का इरादा है, अपना भी इस साल शादी का इरादा है। मनचाहा लड़का, मनचाहा लड़का, मनचाहा लड़का, कहीं कोई मिल जाए। अपना भी इस साल शादी का इरादा है, अपना भी इस साल शादी का इरादा है। मनचाही लड़की, मनचाहा लड़का, मनचाही लड़की, कहीं कोई मिल जाए। अपना भी इस साल शादी का इरादा है, अपना भी इस साल शादी का इरादा है। तस्वीर जैसे हो शर्म हया की, हाय कसम से लुट गया मैं तो, मिट गया मैं तो पहली नजर में।
कहीं कोई मिल जाए अपना बीते साल शादी का इरादा है अपना बीते साल शादी का इरादा है। कब मेरे घर में कहीं वो मिल जाए अपना बीते साल शादी का इरादा है अपना बीते साल शादी का इरादा है। मन चाहे लड़की कहीं कोई मिल जाए अपना बीते साल शादी का इरादा है अपना बीते साल शादी का इरादा है अपना बीते साल शादी का इरादा है। दो टिकट चाहिए 8 रुपए में दे दो। 8 रुपए में? अरे फोट फोट 10 रुपए में लेना है तो ले, धंधे का टाइम है, खोटी मत कर, समझा? पाँच का दस। अरे ये लो एक टिकट मुझे दो। अरे जा छुट्टा ला जा। छुट्टा कहाँ से लाऊं? पाँच का दस। ए लड़की दो टिकट मुझे दे। अरे जल्दी आना उधर, चलना मालिक का मार तो दो। हाँ। जल्दी कर। ये लो 20 रुपए। अब ठीक है, आज पकड़ में आई है। ए, हाथ नहीं लगाना। क्या किया मैंने? ब्लैक में टिकट बेचती है और कहती क्या किया है मैंने? क्या बात कर रहे हो, मैं तो पिक्चर देखने आई हूँ। पिक्चर देखने आई हूँ? ये क्या है, 3 टिकट? थिएटर हॉल में 3 कुर्सियों पर बैठेगी या लेटेगी? चल पुलिस चौकी, रिश्वत मैं लेता नहीं। अरे ठहरो, मैं अकेली का हूँ, मैं तो इंतजार करी अपने बॉयफ्रेंड का। मालूम होता है बचपन से ही झूठ बोलना सीखी है। चलती है या हथकड़ी लगाऊं? और रिश्वत मैं लेता नहीं। चल, चल, आप क्या चल, कर रहे? क्या बात है हवलदार साहब, तुम गौड़ा भाई? आप सब उल्टा सोच रहे हैं, ये मेरा इंतजार कर रही थी, हम दोनों पिक्चर देखने जा रहे थे। अच्छा मैं टैक्सी पकड़ कर आ गया, बस की लाइन में नहीं खड़ा हुआ। अच्छा तुम टाइम पर आ गए, मैंने कहा था ना मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला है, आ गया। अच्छा
तो आप लोग इस तरह भोली भाली लड़कियों को तंग करते हैं? अरे साहब ये क्लीन टिक दे जी। ठीक है चलो, पहले देर हो गई है। ये क्या क्या उल्लू बनाया हवलदार को, साला तूफान चीज है तू भी यार। अच्छा क्या सोच रहा है, जरा अपन को भी बोलना। मैं तेरे को देखकर ये सोच रहा हूँ क्यों ना मैं भी ये धंधा शुरू कर दूँ। ए क्या बोला तू, जरा फिर से बोल, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे ये काम बहुत जोखिम का है। अगर तू कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ, दोनों मिलकर करेंगे। अरे नहीं रे, तेरे को नहीं मालूम ये काम बहुत लफड़े का है। अच्छा कुछ नहीं रखा इस काम में, जब देखो पुलिस से भागो डर डर के। मैं तेरे को बोल देती हूँ ये चक्कर में कभी ना पड़ना। हाँ जो तू मेरे को बोलता था वही मैंने तेरे को बोलना शुरू कर दिया। एक बात बोलूं सुनी? हाँ बोल। बाहर से तू कैसी भी है लेकिन दिल की तू बहुत अच्छी है। मैं भी एक बात बोलूं, मेरे को बहुत लोग बोला है काम छोड़ने के लिए, लेकिन मैं इस कान से सुनती थी और इस कान से बाहर निकाल लेती थी, लेकिन जब से तू बोला इस कान से सुना और सीधा दिल में आ गई तेरी बात, मैं रात भर सोचती रही। अच्छा रात भर सोचती रही? हाँ। इसीलिए टिकटे ब्लैक में बेच रही थी? वो साला आदत पड़ गया है ना, छूटता ही नहीं। लेकिन तू बोला ठीक था, बहुत लफड़ा इस काम में। अगर इस काम में बहुत लफड़ा है तो फिर इसे छोड़ क्यों नहीं देती? प्रॉमिस तो नहीं करती, कोशिश करूंगी। चलेगा? चलेगा। मेरी गैर मौजूदगी में तुम लोग इतना सा काम नहीं कर सके। अगर मुझे मालूम होता कि मेरे आदमी इतने निकम्मे हो गए तो मैं हिंदुस्तान छोड़ के बाहर नहीं जाता। बिहारी अब इस काम में देर नहीं होगी। प्रेम जैसे उस्तरा और साबुन दोनों बड़े काम की चीजें हैं, न बाल रहे न खाल। गुड मॉर्निंग सर। आइए आइए साहब, आइए आइए बैठिए। जोसेफ कहाँ? जोसेफ तो शादी बनाने गए साहब। फिर अपुन है ना, अपुन बनाता है। आइए बैठिए आप, आइए आइए आराम से बैठिए। जोसेफ की शादी 3 साल पहले मैंने खुद करवाई थी। मैं नहीं जानता तुम्हारे बॉस को मुझसे क्या दुश्मनी है, लेकिन दूसरी बार मेरी जान लेने की नाकाम कोशिश करके उसने एक ऐसी लड़ाई शुरू कर दी है जिसे अब मैं खत्म करूंगा। Thank you.
रणवीर ने तुझे जिस काम के लिए भेजा है मैं भी उसी काम के लिए आया हूं। बता कोड वर्ड क्या है? बता बोल। फूलों में खुशबू है। फूलों में खुशबू है। फूलों में खुशबू है? ये कागज के फूल नहीं है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हीरे कहाँ? जहां मैंने रखे हैं। अपनी मौत से मजाक मत करो विक्रम, तुम शायद रणबीर को नहीं जानते। नाम जरूर सुना था और शक्ल भी देख ली। खुशकिस्मत हो तुम जो आज तुमने मेरी शक्ल देख ली, क्योंकि अब तुम सीधे जहन्नुम पहुंचा दिए जाओगे। एक आदमी को जहन्नुम पहुंचाने के लिए इतने यमराज, काफी कोशिश करनी पड़ेगी इन लोगों को। इसी बात का तो दुख है कि इन्हें बिल्कुल कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। जानते हो इनके हाथों में क्या है? इन्हें मशीन गन कहते हैं, और जब इनका ट्रिगर दबता है तो एक सेकंड में 100 गोलियां चलती, और मेरे इशारे पर जब ये ट्रिगर दबेंगे तो सब मशीन गन एक साथ चलेंगे और हजारों गोलियां तुम्हारे जिस्म को तार तार कर देंगे। तब मैं देखूंगा तुम्हारे चेहरे पे ये मुस्कुराहट कैसे रहती। मैं आखिरी मौका देता हूं, बता दो हीरे कहां है? वही जहां मैंने रखे हैं। ठहरो रणबीर, इस लाल बटन को देख रहे हो? इसको दबाने पर गोलियां नहीं बल्कि हजारों वोल्ट बिजली तुम्हारे जिस्म से गुजर जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और तब मुझे अफसोस है, मेरे चेहरे की मुस्कुराहट तुम देख नहीं सकोगे। हम घर आए हुए मेहमान की इज्जत करते हैं। हाथ आए हुए दुश्मन को छोड़ देना हमारे धंधे में बेवकूफी है, और ये बेवकूफी मैं नहीं करूंगा। आज से मैं तुम्हें अपना दोस्त, अपना पार्टनर बनाता हूं। रणबीर हीरे की कदर जानता है, और ये रहे
सब तेरे की, क्या हो गया अपने को, ये भी बाजी हार गया। दादा तुम ये ताश की बाजी भी हार गए और इसक की भी। बोल टगरो, नहीं तो मार डालूंगा। वो दादा वो तमाशे वाली छोकरी है ना तुम्हारी सोने, वो गैरेज वाले छोकरे से मुंह काला करती फिरती है। तुझे कैसे मालूम? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है दादा, आई शपथ। तो ये लफड़ा खत्म करना ही पड़ेगा। चल सनीमा देखन को जाए गोरी, चल सनीमा देखन को जाए गोरी। ओ चल सनीमा देखन को जाए गोरी, लैला तेरे जैसी मजनू मेरे जैसा, दोनों कैसे मिले फिर तमाशा क्या हुआ। वो तमाशा हम देख आए गोरी, चल सनीमा देखन को जाए गोरी। ये सनीमा तो तेरा बहाना है, वहाँ ले जाके मुझको सताना है। जब अंधेरा होगा फिर मेरे पता, ओ दीवाने मैं जानो चाले थोड़ी ना रे बाबा, सनीमा मैं जाऊँ ना कभी, ना रे बाबा सनीमा मैं जाऊँ ना कभी। ना सनीमा तो होटल में जाए गोरी, ना सनीमा तो होटल में जाए गोरी। कुछ बेगाने होंगे कुछ अनजाने होंगे, दो दीवाने होंगे बड़ा आएगा मजा। दिल की बातें दिल को सुनाए गोरी, चल हम दोनों होटल में जाए गोरी, चल हम दोनों होटल में जाए गोरी। होटल में बाबा रे बाबा, संग तेरे मैं होटल न जाऊंगी जान, आफत में ना मैं फंसाऊंगी। ओ संग तेरे मैं होटल न जाऊंगी जान, आफत में ना ना सनीमा ना होटल तो फिर ना, जो होटल तो मेले में जाए गोरी, ना जो होटल तो मेले में जाए गोरी। मेरी बाहों में तू तेरी बाहों में मैं, मिलके घूमेंगे हम कोई देखे भी तो क्या। मिलके झूमे हम नाचे गाए गोरी, चल हम दोनों मेले में जाए गोरी, चल हम दोनों मेले में जाए गोरी। मेले में? हाँ तोबा रे तोबा, काहे काहे? पहले मेले में मुझको घुमाएगा, फिर
फिर हिंडोले पे झूला झूलाएगा, अरे पहले मेले पे मुझको घुमाएगा, फिर हिंडोले पे झूला झूलाएगा, झूला ऊपर जाएगा, फिर तू मौका पाएगा, छेड़ेगा तड़पाएगा, क्या कर लूंगी मैं तेरा तू करेगा, झूले पे जोड़ा जोड़ी तू करेगा। चल हम दोनों मेले में जाएं गोरी, ना रे पापा मैं मेले में जाऊं ना कभी, चल सनीमा ना रे बाबा, चल फिर होटल ना रे बाबा, चल फिर मेले ना रे बाबा, मैं तेरे संग जाऊं ना कहीं, ना रे बाबा मैं तेरे संग क्यों रे सोनी, नैन लड़ाओ हमसे और प्रेम रास रचाओ इसके साथ हैं? ए शंभो, मुंह संभाल कर बात कर। अबे ओ कालिए, अपनी डेढ़ गज की जबान अंदर रख, नहीं तो ऐसा टेटू और मस्कुंगी के निकल के बाहर आ जाएगी। अरे तुझसे तो बाद में निपटूंगा रानी, पहले तो जरा इस हरामी से निपट लूं। क्यों, पिछली मार भूल गया क्या? अरे मच्छर को एक दफा काटने का मौका मिल गया तो वो क्या मौत से बच जाएगा? क्यों वे कुत्ते, आपके अपने साथ पिल्ले भी लेकर आया? बाबा मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं, तुम्हारे नासों की सौगंध खाकर कहता हूं कि जिंदगी में किसी पर फिर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। या अल्लाह खैर। अमर, अमर मेरे बच्चे, अमर मेरे बच्चे, आंखें खोल, खोल आंखें, आंखें खोल, अमर अमर आंखें खोल। बाबा अमर, बाबा मैंने हाथ नहीं उठाया बाबा, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, जानता हूँ। हरामजादो, इन बूढ़ी हड्डियों में अब भी इतना लोहा है, तुम में से एक एक की हड्डी का सुरमा बना सकते, नहीं नहीं, हमारा जख्मी शेर ही काफी है तुम जैसे कुत्तों के लिए। उठ उठ अमर, तेरा बाबा तुझसे कह रहा है जाओ, हमने तुझे तेरी तमाम कसमों से आजाद किया। उठ शेर खां के शेर, उठ अमर, आज अपने लिए नहीं अपने बाबा की इज्जत के लिए उठ। खबरदार, कोई दूसरा बीच में आया तो ये लड़ाई सिर्फ ये कमीना और मेरा शेर लड़ेगा। आगे बढ़ा अमर। अरे
मेरे बच्चे, आप नहीं जानते तुम कौन है, लेकिन केस के लिए डॉक्टर जवाब दे चुके थे, हम उम्मीद छोड़ चुके थे। उस जान को बचाकर तुमने कितना बड़ा एहसान किया है हम पर, तुम नहीं जान सकते। और आप शायद ये नहीं जानते खान साहब कि एक दिन आपके अमर ने अपनी जान पे खेलकर मेरी जान बचाई थी। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे सही वक्त पे पता चल गया और मेरा खून अमर के काम आ गया। ये हम नहीं जानते बच्चे, लेकिन कसम है परवरदिगार की, कभी खान से उसकी जान मांग लेना, वो हंसकर तुम पर निछावर कर देगा। भैया आओ, तुम्हें अपने खास दोस्त से मिलाता हूँ, बहुत देर से अकेला खड़ा है, सोचा तुमसे मिला दूंगा। विक्रम, इनसे मिलो, ये विजय श्री, डांस और ड्रामा डिवीजन में काम करती है, ये मेरे दोस्त है विक्रम। हेलो। हेलो। क्यों विक्रम, आप किसका इंतजार कर रहे हो? तुम, हमने जिन जिन को बुलाया था सब आ गए। मैंने तो एक ही को बुलाया था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। क्या कोई खास मेहमान है? दोस्त है। पुरानी दोस्ती लगती है? नहीं, दोस्ती तो नहीं है, लेकिन जब भी मैं उससे मिलता हूँ ऐसा महसूस होता है जैसे कोई पुराना रिश्ता है मेरा उसके साथ। बड़ा दिलचस्प आदमी है, तुम मिलोगे तो। आ गया। काफी इंतजार करवाया तूने। इनसे मिलो, ये है मेरे बिजनेस पार्टनर रणबीर, आज की पार्टी हमारे बढ़ते हुए बिजनेस की खुशी में इन्होंने दी है, और ये है मेरा दोस्त अमर। विक्रम, बहुत तारीफें कर रहा था तुम्हारी। आपसे विजय श्री। अमर। प्रिया, ये है मेरा दोस्त अमर। हेलो। और ये है मेरी ज्यादा कहने की कोई जरूरत नहीं है भाई, सारी महफिल को अगर दूरबीन लेके देखा जाए ना तो एक ही चेहरा रोशन चमक रहा नजर आता है। Excuse me. अच्छा भाई सुनो, तुम लोग बातें करो, हम लोग जरा मेहमान से मिल के आते हैं। ओके। नहीं बड़े भाई, अपना ग्लास तो ये है। चेस। चेस। ये क्या, ना सोडा ना पानी? पानी पीना तो मैंने सालों पहले छोड़ दिया था। मुझे नहीं बताएंगे कौन था वो अपना? तुम ही तो अपनी हो, तुम्हें क्यों नहीं बताऊंगा? बहुत पहले की बात है, हम दोनों, मैं और मेरा विक्रम, अब पार्टी रंग में आएगी। मैंने विजय श्री को नाचने पे राजी कर लिया। नचाने की तो तुम्हारी पुरानी आदत है। आदत नहीं, शौक है। तेरी यारी हमें जान से है प्यारी, है यार तेरी यारी हमें जान से है प्यारी, तेरी यारी पे जान लुटा देंगे, लुटा देंगे, लुटा देंगे। तेरे साथ है मरना जीना, जहाँ तेरा गिरे का पसीना, तेरे साथ है मरना जीना, जहाँ तेरा गिरे का पसीना। हम पसीने पे खून बहा देंगे, बहा देंगे। ऐ यार तेरी यारी हमें जान से है प्यारी, ऐ यार तेरी यारी। लगता है कि तेरा मेरा, लगता है कि तेरा मेरा कोई पिछले जन्म का है नाता। वो यार है जो दुख बांटे, तेरी राहों से चुन के कांटे।
जो दुख बांटे तेरी राहों से चुन के कांटे तेरे कदमों पे फूल बिछा देंगे बिछा देंगे ऐ यार तेरी यारी हमें जान से है प्यारी ऐ यार तेरी यारी तुझ पे है भरोसा जितना उतना न खुदा पे होगा तेरी ओर जो आंख उठाए तुझसे जो कहीं टकराए तेरी ओर जो आंख उठाए तुझसे जो कहीं टकराए सारी दुनिया में आग लगा देंगे लगा देंगे ऐ यार तेरी यारी हमें जान से है प्यारी ऐ यार तेरी यारी हमें जान से है प्यारी तेरी यारी पे जान लुटा देंगे लुटा देंगे ऐ यार तेरी यारी गाड़ी ठीक से बना लेना मैं जा रहा हूँ बाहर कॉल क्या करना अरे हाँ वो कह रहा था कि मैं अरे ओ अमर भैया अरे सुना तनी इधर तो आओ क्या बात है राजपत भाई बहुत खुश नजर आ रहे हो कोई लॉटरी वोटरी लग गई क्या अरे का बात करत हो है रुपया पैसा तो राजपत के हाथ का मैल है वो की कौन परवाह करत है तो फिर किसी छोकरी से आंख लड़ गई क्या राम 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 ई का बात करत हो छोटू भैया हम का चार जूतिया मार लो लेकिन किसी कन्या का नाम हमारे पास ना लो हम तो ठहरे अखंड ब्रह्मचारी हम तो हनुमान जी के भगत है हाँ। तो फिर उछल क्यों रहे हो उछलने की तो बात ही है ना अमर भैया देखा हम क्या लाए हैं तो के दिखात है अरे दुल्हनिया का घूंघट है हारमोनियम पूरा 300 रुपया खर्च करके लाए हैं तो खुश करने के लिए हाँ, आप तो हमारा गान सुनना ही पड़ेगा हारमोनियम नया लाने का क्या फायदा गला बदलवाता तो बात भी थी देखो छोटू भैया हम का गुस्सा ना दिलाओ हाँ अच्छा बोलो अमर भैया का सुनबे गजल का ठुमरी हम का सब बात है अरे अभी नहीं देखो ना तुम भी इधर हो हम भी इधर हैं फिर कभी सुन लेंगे यही तो बात है ना तुम्हारे इस कभी कभी में हमका तो लगा था कि हमार बाल सफेद हो जाए लेकिन हम तुमका ना छोड़ा हाँ तो कहो अमर भैया कौन सा पान लगाऊं लगा दे एक सादा पान पान तो बड़ा सादा खातो बड़ी लच्छेदार पार्टी में जातो तुमसे किसने कहा अरे हमका सब मालूम है अमर भैया तुम्हार दोस्त जिसके साथ धंधा करत है ना वो बहुत बड़ा स्मगलर है क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है नहीं अपनी आंखों से तो ना ही देखा जब तक खुद ना देख लो फिर कभी मत कहना चल समझ गए ना अरे पान तो लेते जाओ बुरा मान गए अब चलो फंस गए आज मेरा दिमाग बहुत तेज चल रहा है रणबीर हारने से घबराना मत तुम चलते जाओ प्यारे वो पुरानी कहावत याद है ना 100 सुनार की 1 लोहार की सर आज एक आदमी जेल से छूटा वो अंदर से छुपाकर एक शॉल लाया है और वो शॉल उसने ले जाकर रामलाल की बेटी को दे दी ठीक है तुम जाओ ठीक है सर क्या बात है कुछ परेशान नजर आ रहे हो कौन है ये रामलाल की बेटी सोनी नाम है उसका
सड़कों पे खेल तमाशा करती। और ये रामलाल? रामलाल मेरा खास आदमी था, ताले तोड़ने में माहिर था। और ये शॉल का क्या किस्सा है? विक्रम, यहां से 50 मील की दूरी पर एक मंदिर है। उस मंदिर में 2 मूर्तियां थीं, सोना चांदी हीरे जवरात से लदी हुई। आज से 5 साल पहले मैंने उस मंदिर की मूर्तियों को लूटने का फैसला किया था और उस काम का इंचार्ज रामलाल को बनाया था। दिन तक तो रामलाल मंदिर की आसपास वाली झाड़ियों में छुपा रहा, लेकिन उसके बाद पुलिस के हाथ लग गया। पुजारी के बयान से रामलाल को 5 साल की सजा लग गई, लेकिन वो हीरे ना तो पुलिस को मिले और ना ही मुझे। न जाने कंबख्त ने कहां छुपा दिए थे। हां, एक बार उसने अपने बेटे के पास एक नक्शा भेजा था, वो भी मेरे आदमियों ने उड़ा लिया, मगर हम लोगों को इस नक्शे का सर पैर तक समझ में नहीं आया। विक्रम, यही मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी हार थी। मेरे ख्याल से रामलाल तो अब जेल से आजाद हो चुका होगा। नहीं, रामलाल जेल से नहीं जिंदगी से आजाद हो गया है। जेल जाने के कुछ ही अरसे बाद रामलाल मर गया। और ये तस्वीर? ये तस्वीर रामलाल की बेटी की है, सोनी। सोनी नाम है इसका। ये था सब कुछ अमर, जो मेरे बाबू के साथ हुआ। सुनकर बुरा लगा हो तो मुझे दोष मत देना, खेल तो सब तकदीर का है ना। वो सब ठीक है सुनी, लेकिन ये क्या है? मुझे लगता है ये उस जगह का नक्शा है जहां बापू ने दौलत छुपा रखी है। अमर, अगर ये दौलत हमें मिल जाए तो हम इसे पुलिस को दे देंगे, वापस भगवान के पास पहुंचा देंगे। तो ठीक कहती है सुनी, मगर हमें इस दौलत का पता कैसे लगेगा? हमें तो इस नक्शे का कुछ भी पता नहीं। अब जब सूरज मंदिर के बिल्कुल पीछे आएगा, उस वक्त त्रिशूल की परछाई जहां पड़ेगी वही जगह होनी चाहिए।
बड़े भाई, आपसे जब भी मुलाकात होती थी प्यार से मन भर आता था, लेकिन ये पूछना ही भूल गया कि आप धंधा क्या करते हैं। अमर, चोरी मेरा धंधा नहीं है, पेशा नहीं है और शौक भी नहीं है। चोरी मेरी जिंदगी का एक ऐसा उसूल है जिसे तोड़ने की ताकत किसी भी रिश्ते में नहीं। छोटा हूं इसलिए आपको नसीहत नहीं दे सकता, आप बड़े हैं इसलिए आपसे बगावत भी नहीं कर सकता। दरखास्त कर सकता हूं, ये मंदिर की अमानत मुझे दे दीजिए। मंदिर की अमानत? चोर के हाथ में जो दौलत होती है वो उसकी अपनी कभी नहीं होती। और ये भी जरूरी नहीं कि जिसके हाथ में चोरी का माल हो वही चोर हो। सवाल चोर और साधु का नहीं है बड़े भाई, सवाल है लाखों करोड़ों इंसानों के विश्वास का, जिन्होंने कितनी श्रद्धा से भगवान के चरणों में ये चढ़ाया होगा। कौन सा भगवान, किसका भगवान? वो पत्थर की मूर्ति जो ना सुन सकती है ना बोल सकती है। कितनी रातें मैं भूखा उसके पास रोटी मांगने गया था, तब तुम जैसे पत्थर पर विश्वास करने वालों ने धुतकार कर मुझे भगा दिया था वहां से। आज का भगवान ये है अमर, ये जरूरत से लेके ऐशो आराम की हर चीज आज बिकती है और वो सब इसी से खरीदी जा सकती है। बोलो कितना ऐसा चाहिए तुम्हें? 10%, 15%, 20%? बिका तो एक बार पहले भी था बड़े भाई, तुम्हारे पास ही बिका था, मगर तब कीमत थी प्यार और आज कीमत है पैसा। अगर खरीदना ही चाहते हो तो मेरी कीमत वो सब कुछ है जो तुम्हारे हाथ में है। बचपना मत करो अमर, तुम शायद इसकी असल कीमत नहीं जानते। तुमने शायद कभी भूख नहीं देखी है, कड़कती धूप में पानी की एक बूंद के लिए कभी तरसे नहीं हो तुम, इसलिए इतनी कीमती चीज को उस पत्थर की मूर्ति के कदमों में रख देना चाहते हो। आप जिसे बार बार पत्थर की मूर्ति कह रहे हैं वो मेरा भगवान है। और जो चीज तुम मुझसे छीना चाहते हो वो मेरा भगवान है, धर्म है, ईमान है, सब कुछ है। ये अमानत लिए बगैर मैं आपको जाने नहीं दूंगा। चारों तरफ से, मिस्टर विक्रम, मैं आपको सोनपुर मंदिर के जेवरात चुराने के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं। बाहर आइए, आइए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर साहब, ये सच नहीं है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। विक्रम, विक्रम तुम खामोश क्यों हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? सर ये देखिए, मैडम ये कुछ नहीं बोल सकते, सच अपने आप बोल रहा है। प्रिया, मुझे अफसोस है, अपने बारे में जो बात मैं तुम्हें बताना चाहता था वो इस तरह तुम्हारे सामने आई। मुझे बहुत अफसोस है, चाहता तुम्हें अपने रास्ते पर ले आऊं मगर न तुम अपना इरादा बदल सके और न मैं अपना आदर्श। और नतीजा ये है? नतीजा ये नहीं है अमर, नतीजा तो तब निकलेगा मैं जेल से छूटकर बाहर आऊंगा। तुमने मेरी दोस्ती देख ली, अब दुश्मनी देख लेना। परवरदिगार, तूने जिंदगी में हमको इतना खुशी दिया कि अब तो हमारा दामन भी शर्मिंदा हो गया है। आज ईद की खुशी में
एक खुशी और हमारा झोली में डाल दे, हमारे बच्चे का मुराद पूरा कर दे, उसको उसके भाई से मिला दे। आमीन। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कौन है अंदर? बाहर आओ। ओए खबीज, बाहर आता है या पुलिस को बुलाऊं? भगवान के लिए मुझे इनके हवाले मत कीजिए, वरना ये लोग मुझे जान से मार देंगे। ओए क्या चुराया तुमने? मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं कई दिन का भूखा हूँ, सिर्फ रोटियां चुराई हैं। देखो ब्रादर, इसका फैसला तो खुदा करेगा कि तुमने अच्छा काम किया या बुरा काम किया, लेकिन ये फैसला हम करता है कि हम तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगा। आज ईद का दिन है, आज अच्छे बुरे सब एक हो जाते हैं। हम तुमको अपने गरीब खाने पर लेकर चले, पेट भर कर खाना खिलाएगा, समझा? खाओ खाओ, पेट भर कर खाओ। यहां तुम्हें किसी से डरने का जरूरत नहीं है, जितना दिन तुम चाहो उतने दिन यहां रहो। नहीं खान साहब, आपने पेट भर खिला दिया, यही बहुत है। ओए पेट भर कर तो तुमको रात को खिलाएगा, आज हमारे यहां जश्न है, कल चांद देखा, आज ईद मनाया, आज रात बेटे का चांद देखेगा, हर रोज ईद मनाएगा। तुम खाओ खाओ, हम तुम्हारे लिए पानी लेकर आते हैं। शमसू जाकर देखो शरबत तैयार है, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे बिरयानी तैयार है, जल्दी जल्दी लेकर आ। वो गोपू तू गप्पे मारता रहेगा, वो नान लगाने वाला आया तुम। मिला है? जाओ जल्दी, क्या मुसीबत है, तू खाली नहीं करता। खान साहब आज तो आपने हंगामा कर दिया। वो आज हंगामा नहीं करेगा तो कब करेगा? अरे कल का तो बात है कि अमर इतना छोटा था, आज इतना बड़ा हो गया है। अरे वो अपना होने वाला दुल्हन को हमें दिखाने ला रहा है। तो क्या उसे आपने अभी तक देखा नहीं था? लाहौल बिलाकुबुद, जब किसी ने नहीं देखा तो हम कैसे देखेगा? बात बोले किसी को बोलेगा तो नहीं? नहीं तो हम लड़की को देखा है। बिजली को क्या हुआ? हाँ साहब, ये लाइट क्यों चली गई? ओए हमको क्या मालूम, बाहर जाकर देखो जल्दी। अच्छा। जाओ जाओ। क्यों कर गया ना हरकत, मिलाओ दिया हमारा इज्जत खाक में, हो गया खुश? कोई बात नहीं, तुझसे तो हम बाद में निपटेगा। अरे काहे को परेशान हो तो है? जब तानसेन ने दीपक राग गाय के प्रकाश कर लिया था, अरे तो हम भी हमार तान सुना के फौरन बत्ती बुला लेते। सुनो ना 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 राजपाल भाई, ऐसा ना करना, अभी तो लाइट गई है, तुमने गाना शुरू किया तो लोग भी चले जाएंगे। चला आ, 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 आ। लो ठीक है। अरे ये अंधेरा कैसे, लगता लाइट चली गई। अच्छा हुआ। क्यों? मुझे सबके सामने जाते हुए शर्म आती है। आओ आओ जाने जिगर, काले की जान, खुश आमदेद। आपने आंखें क्यों बंद कर दी? ओए बच्ची को नजर ना लग जाए, अल्लाह नजर से बचाए। आज चांद हमारे घर उतर आया है, हम बहुत खुश हैं। मैं कल से बड़ा खुश हूँ। और मैं भी बहुत खुश हूँ। बेटी ये कोपू है, शेर खान के ट्रक का पांचवा टायर, और ये छोटू पार्वती बहन का लड़का। ए, पार्वती बहन किधर है? वो जरूर बावर्ची खाने में होगा। शीला इधर आओ, बेटी को अंदर ले जाओ। बच्चे अगर शेर खान सारी उम्र जुस्तजू करता तो तेरे लिए इससे बेहतर दुल्हन नहीं मिल सकता था।
हम तुम्हारी तकाफ की दाद देता है। हा 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 हा, ये सारी खुशियां देख करके तो हमको बनारस की शाम आदत है। आहा, क्या कर रहे हैं, हमारा जीरा तो गाना गाने को तड़पत है। कुछ ठुमरी, कुछ गजल, कुछ दादरा। भैया हो जाओ शुरू। हो जाए, हो जाए। अच्छा तो ऐसा कर, तू जाए के हमारा हारमोनियम ले आ, और वो चेस्ट्रा वेस्ट्रा वो सारा का सारा बाजा ले आ। जा 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 जा। लाए 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 लाए। चलो सुर लगाई चले। ठीक है।
खुदा मैंने जो दुआ मांगी मेरी दुआ का असर आज नजर आने लगा है जादू सजाने लगा है दिल गुनगुनाने लगा है दिल गुनगुनाने लगा जवानी का गुजरा जमाना मुझे याद आने लगा है जादू सजाने लगा है दिल गुनगुनाने लगा दिल गुनगुनाने लगा ससुरा अब दूसरा कहां होगा प्रणाम छोटे सरकार कौन हो तुम मुझे नहीं पहचाना छोटे सरकार मैं आपका पुराना सेवक जवानी के दिनों का आपका अनोखा राजदार अनोखे लाल हमारी इजाजत के बगैर अंदर आने की जरूरत कैसे की तुमने छोटे सरकार जिस आदमी ने जिंदगी भर आपकी खिदमत की हो वो मर गया जिंदा ही आपने कभी पलट कर नहीं देखा मगर छोटे सरकार किस्मत जिसका साथ देती है उसके सामने हर किसी को झुकना पड़ता है और शायद उसी किस्मत की मेहरबानी से आज मैं आपके सामने खड़ा हूं छोटे सरकार ये देखिए इसे पहचानिए और से देखिए ये लोग कौन है मैं इन्हें नहीं जानता सरला को नहीं जानते आप सरला कौन सरला जिसे मैं लेकर आया था और आप लेकर गए थे जिसने आत्महत्या कर ली थी और जिसका बाप बात अब इतनी पुरानी हो चुकी है कि आज कोई इसे हकीकत नहीं मानेगा मगर छोटे सरकार हकीकत ये भी है कि ये दोनों बच्चे आज जवान हो चुके हैं और इन दोनों में से एक को मैं जानता हूं अब सिर्फ इस लड़के को यह बताने की देर है कि तुम्हारे खानदान की तबाही का कारण ठाकुर रणबीर सिंह है लेकिन बतलाएगा कौन वकील छोटे सरकार यहां आने से पहले मैं एक वकील से मिलकर सारे कागजात उसके हवाले कर और उसे ये कह के आया हूं कि अगर दो दिन में एक बार तुझे न मिलूं तो वो सारे कागजात पुलिस के हवाले कर देना अनोखे लाल उम्र में भी तुम मुझसे बड़े हो तजुर्बे में भी मुझसे बड़े हो तुम नहीं जानते तुम्हें खो के मैंने क्या क्या खो दिया था लेकिन अब तुम मिल गए हो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा इसी खुशी में हो जाए एक एग्जाम हुजूर बहुत दिनों से गले से दूर रहिए ये हरामजादी एग्जाम जरा तब बनाइएगा क्या हुआ बाबा आपकी आंखों में आंसू कुछ नहीं बेटा कुछ नहीं लेकिन बात क्या है मुझे तो बताइए एक लॉकेट था बेटे जिसे मैं किसी तरह अंदर छुपा के ले आया था आज तक बड़े जतन करके मैंने संभाल के रखा उस लॉकेट से मेरी बीते हुए दिनों की कुछ अच्छी कुछ बुरी यादें वाबस्ता थी मगर आज किसी ने वो भी चुरा लिया बताइए किसने चुराया वो लॉकेट
अजीब लगता है जंजीर उस्ताद के गले के लिए बनी थी। अम्मा जज रहे हो उस्ताद? His Highness is looking fantastic. कुर्बान जाऊं कहीं नजर ना लग जाए उस्ताद, एक सफेद टीका लगा ही लो। अबे नजर के लिए काला टीका होता है, आपके रंग पर काला दिखेगा नहीं। राका अजी, ये उम्र कैद वाले इलाके में 6 महीने वाला कहां से आ टपका? It is wonder. राका, उस गरीब बुड्ढे का लॉकेट जो तूने चुराया है वापस कर दे। राका को चोर कहने वाला फिर दोबारा जिंदगी में चलने लायक नहीं रहेगा। अजी चलने के लायक क्या, देखने के लायक नहीं रहेगा। अम्मा देखना तो क्या, सुनने के लायक भी नहीं रहेगा। अरे सुनना क्या, खाने के लायक नहीं रहेगा। सीधी तरह लॉकेट दे दे राका, वरना तू किसी लायक नहीं रहेगा। माँ का दूध पिया है तो उतार ले लॉकेट। निकाल लॉकेट। मैंने तो सिर्फ टीका लगाने को कहा था, उस्ताद ने तो पूरा मुंह ही सफेद कर लिया। अरे उस्ताद जी तो बाहर मुला ड्रीम कर रहे हैं। लगता है ये पागल हो। बाबा ये लो तुम्हारा लॉकेट। लॉकेट ये लो। बाबा तुम कह रहे थे इसके साथ तुम्हारी यादें बंधी हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी, ऐसी क्या बात है, ये है क्या? ये लक्ष्मी है बेटा, ये वो शक्ति है जिससे सारी दुनिया चलती है, पर अगर ये ना हो तो जो चीज जहां है वहीं रुक जाए। ये लक्ष्मी है बेटा, ये वो शक्ति है जिससे सारी दुनिया चलती है, और अगर ये ना हो तो जो चीज जहां है वहीं रुक जाए। ये लक्ष्मी है बेटा, ये लक्ष्मी है बेटा। यहां दस्तखत कर दो। हर जाने वाले कैदी से हम यही कहते हैं कि अब यहां नहीं आना, लेकिन जेलर साहब अब मैं यहां नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। बाबा मैं जा रहा हूं। बाबा भगवान तुम्हारी रक्षा करे, दोबारा यहां आना पड़े ऐसा कोई काम मत करना। नहीं करूंगा बाबा, कभी नहीं करूंगा।
बाबा, यहां से निकलने के बाद जब तक आपके बेटे आपको नहीं मिलते, आप मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे? जरूर रहूंगा बेटा, मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात होगी। बल्कि अब तो इस इत्मीनान से यहां से निकलूंगा कि बाहर की दुनिया में मेरा भी कोई घर है। घर तो है बाबा, मगर अभी आपके लायक नहीं है। यहां से जाकर मैं उसे आपके लायक बनाऊंगा। कानून का मुजरिम था, उसकी सजा तो काट आया हूं। तुम्हारा भी मुजरिम हूं, तुम अपनी सजा सुना दो। मैं तुम्हें लेने आई हूं। सच्चाई जानते हुए भी? सच्चाई ये भी है विक्रम, मैंने प्यार किया है तुमसे, सिर्फ तुमसे। विक्रम, तुम नहीं थे ऐसा लगता जैसे हमारा दाया हाथ नहीं था। आज हम जी भर के पिएंगे। नहीं रणबीर, मैंने ये सब कुछ छोड़ देने का फैसला किया है। ऐसा कोई फैसला इस दोस्त से सलाह किए बगैर कैसे कर लिया तुमने? रणबीर, जेल में एक ऐसी महान आत्मा से मुलाकात हुई जिसने जिंदगी का रंग ही बदल दिया। महान आत्मा जेल में? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सब कुछ छोड़ रहा हूं, सब कुछ। नहीं दोस्त, यहां लोग आते अपनी मर्जी से हैं, लेकिन जाते मेरी इजाजत से हैं, और मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। बहुत बड़ी भूल करोगे रणबीर, मैंने काम बदला है, नाम नहीं। मेरा नाम आज भी विक्रम है। अरे तुम तो नाराज हो गए यार, ये महान आत्मा है कौन, क्या नाम है इनका, हमसे नहीं मिलाओगे? बहुत जल्द जेल से रिहा होने वाले हैं, जब आएंगे जरूर मिलवाऊंगा। उनका नाम लाला केदारनाथ है। केदारनाथ? रणबीर, वो मेरे पिताजी हैं। उन्होंने 14 साल जेल में काटे हैं एक ऐसे कत्ल के जुर्म में जो उन्होंने नहीं किया। तो फिर असली कत्ल कौन है? यही तो पता नहीं चला आज तक। जिस दिन पता चल जाएगा, इन्हीं हाथों से मैं उसका गला घोंट दूंगा। ठीक है, मैं समझ गया। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर मेरी मदद की जरूरत पड़े झिझकना मत। जिसकी वजह से मेरे पिताजी ने 14 साल जेल में गुजारे हैं, जिस दिन वो मेरे सामने आएगा रणबीर, मदद की जरूरत मुझे नहीं उसको पड़ेगी। बाय। क्या होगा छोटे सरकार? पहले एक था, अब दो गए, बाप भी जिंदा है। आपने जो कत्ल किया था उसकी सजा भुगत कर जल्दी। शट अप! आइंदा कभी उस कत्ल का जिक्र किया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मुझे माफ कर, तो भला मैं आपका क्या बिगाड़ सकता हूँ? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोल, अब बोल। छोटे सरकार, नाम नाम उसका हमारे है, शेर खान। शेर खान नाम का एक ट्रक ड्राइवर ने संभाला है चांदनी मोहल्ले में, शेरा गैरेज के सामने रहता है। जब दो भाई को इसे मार मार के तहखाने में बंद कर दो। नहीं नहीं छोटे सरकार, नहीं छोटे सरकार।
अल्लाह का खत, रणबीर तेरी मौत का परवाना मेरे हाथ में है। प्रेम, विक्रम और अमर में दुश्मनी है और मैं इस दुश्मनी का फायदा उठाना चाहता हूं। जी मैं समझा नहीं। तुम विक्रम की गाड़ी चुराओगे जी, और उस गाड़ी में अपने कुछ आदमी लेकर जामली मोहल्ले जाओगे जी, और उसी गाड़ी में बैठकर अमर को गोली मारोगे। एक गोली से मर जाएगा और दूसरा उसके कत्ल के जुर्म में फांसी भी चढ़ जाएगा। क्या हुआ? विक्रम जैसे छूट गया। ये कौन सी बुरी खबर है? यादव से कहा था कि वो रेहा उन्हें पत्थर से बदला लेगा। अरे जा, बहुत देखे बदला लेने वाले। अरे का अमर भैया का आज रेडिएटर बहुत गर्म लगत है। अरे ओ अमर भैया, बहुत गुस्से में लगत हूँ। अरे छेड़ू मेघ मल्लार की तान या लगाऊ ठंडक वाला पान? भाड़ में गया तू और तेरी तान। जब भी देखो बोर करता रहता, मैं तो पान खाना बंद कर दूंगा। अरे ये कैसे हो सकत है अमर भैया? अरे रूठे यार को मनाएंगे हम, खिलाई के पान बनारस वाला। मैं कुछ समझी नहीं बाबा। देखो बेटा, तुम ट्रक के पीछे जाकर छुप जाओ। हम अमर को बोलेगा कि पीछे से सामान लेकर आओ। वो सामान लेने आएगा तो तुमको देखेगा, बहुत खुश होगा, खुशी से फूला नहीं समाएगा। तब हम उसको बोलेगा प्याज तुम्हारे लिए, ये खुशी तुम्हारा बाबा लेकर आया है। जाओ 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 जाओ, छुप जाओ जाओ। विक्रम की कार, अरे ये क्या किया तुमने? ये क्या किया राजपथ? अरे ये तो बहुत सभी हो गया, चलो इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, मर भैया अब हॉस्पिटल जाने का टाइम नहीं रहा। नहीं राजपथ, नहीं नहीं राजपथ, अब हम चाहते हैं मर भैया। नहीं राजपथ, बस एक ही इच्छा रह गई मर भैया। क्या? तूने हमारा गाना नहीं सुना ना? तुम ठीक हो जाओ, हाँ हम सब मिलकर तुम्हारा गाना सुनेंगे। चलो मेरे द्वार पास गाना सुनने का टाइम नहीं था। अब राजपथ, हमारे पास टाइम नहीं। राजपथ, राजपथ, तूने मेरे दोस्त की जान ली है विक्रम, अब मैं भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन है आदमी? और इन कुत्तों से क्या पूछता है? हमसे पूछ, हम शेर खान है। अच्छा तो तुम हो शेर खान? तुम्हारी मौत शेर खान, एक गरीब पान वाले की जान लेकर बच नहीं सकता तू। पान वाले की जान? हाँ हाँ,
और तुमको भी जहन्नुम नहीं पहुंचाया तो हम भी पठान नहीं। बकवास बंद करो, ले जाओ इसे। अरे ये लोग क्या ले जाएगा हमको? तो इसका मतलब है कि हमारा अभी तक जिंदा है। ले जाओ इसे और अच्छी तरह सबक सिखा दो। चूहों के बल पे जीता है। अरे हमारे अमर को कुछ हो गया तो हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो अमर जिंदा है और आज विक्रम का बाप भी जेल से रिहा होके आ रहा। माफ कीजिएगा, आप ही लाला केदारनाथ जी हैं? नमस्ते, हमें विक्रम साहब ने आपको लेने के लिए भेजा है। विक्रम ने? हाँ जी। हाँ। चलिए। आज फिर यहाँ? जेलर साहब, आज मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ, जबरदस्ती नहीं लाया गया। लेकिन क्यों? मैं लाला केदारनाथ को लेने आया हूँ, आज वो जेल से रिहा हो रहे हैं ना। हाँ, वो तो अभी यहाँ से चले गए। चले गए? लेकिन वो जाने से पहले तुम्हारा पता यहाँ से ले गए। अच्छा अच्छा, थैंक यू जेलर साहब। प्रिया विक्रम, ये चप्पल, जंजीर और इन कपड़ों को पहचाना तुमने? ये सब तुम्हारे बाप के हैं। तुमने मेरे दोस्त राजपूत को मार डाला, मैंने तुम्हारे बाप को खत्म कर दिया। ये हिसाब तो पूरा हो गया। रही मेरी तुम्हारी बात, तो मैं प्रिया को अपने साथ लेके जा रहा हूँ ताकि तुम आओ। खड़क की क्वेरीज पे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अमर, अमर, खान साहब मुझ पे तरस मत खाइए, मैं गुनहगार हूं। लेकिन मुझसे भी बड़ा गुनहगार है रणवीर, उससे इन बच्चों को बचा लीजिए। अमर और विक्रम दोनों भाई भाई हैं खान साहब, उनकी बहन की मौत का कारण भी ये कमीना है। खान साहब, उनकी बहन का ये खत और ये तस 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 तस्वीर। उस पठान को सही वक्त पे ठिकाने लगा देना। विक्रम तो अब तक क्वारीज में पहुंच चुका होगा, अमर का क्या हुआ? अमर को भी ये खबर पहुंचा दी है कि पान वाले पर गोली चलाने वाला विक्रम उसे खड़क की क्वारीज में मिलेगा। बहुत खूब, इसे कहते हैं अपनी तकदीर खुद लिखना। मैं अपनी शिकारगाह पे हूं, मुझे खबर दे देना। परवरदिगार अलमुदद। बाबा, बाबा। तुम इधर शैतान के घर में क्यों आया? अभी कुछ बताने का वक्त नहीं है बाबा, जल्दी चलिए, नहीं तो अमर और विक्रम एक दूसरे को मार डालेंगे। कहाँ है वो दोनों? मैं जानती हूँ, खड़क की क्वेरी। मैंने नीचे उन गुंडों को आपस में बातें करते सुना है, जल्दी चलिए। चलो चलो।
अगर माँ का दूध पिया है तो सामने आओ। हमारी दुश्मनी का फैसला सिर्फ मौत है अमर, सामने आओ। ट्रक से कूद जाओ और पुलिस को लेकर फौरन वहां पहुंच जाओ। नहीं बाबा, मैं आपको इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? ओए तुम हमारा फिक्र नहीं करो, ये फरमा बर्दारी जताने का नहीं, बेटी अमल का वक्त है। दोनों भाइयों में से किसी को कुछ हो गया तो अल्लाह मियां को क्या मुंह दिखा? नहीं बाबा, जाओ बेटी, खुदा के वास्ते जाओ, जाओ बाबा, जाओ बेटी। विक्रम, ये तुम्हारा छोटा भाई है, खुदा के वास्ते छोड़ दो इसे। कोई अगर जान लेना है तो हमारा ले लो। हट जा मुझे। एक बार मैंने तुझे छोड़ दिया था, आज नहीं छोड़ूंगा। ये तुम दोनों का बचपन का तस्वीर है, ये देखो, ये तुम है और ये तुम्हारा छोटा भाई। मुन्ने, जिन हाथों से तुझे पालने का सपना देखा था, उन्हीं हाथों से मैंने तुझे मारा। मुन्ने,
मैंने तुझे इन हाथों से मारा, इन हाथों से, इन हाथों से। क्या करता है विक्रम, होश में आओ। खान साहब इसे कहिए होश में आ जाए। मुन्ने अमर बच्चे ये देख, विक्रम तेरा बड़ा भाई है। ये देख अपने बचपन का तस्वीर देख। मुन्ने भैया ये देखो, ये तुम्हारा मरहूम बहन का लिखा हुआ आखिरी खत। इसमें उसने साफ साफ लिखा है कि रणवीर ने उसका इज्जत लूटा था, और मरते वक्त हमको मुनीम ने बताया कि तुम्हारे पिताजी को जिस कत्ल की सजा हुआ था वो कत्ल भी उसने ही किया था। हाँ रणवीर बाबा, बाबा बाबा। खान साहब ये आपने क्या किया बाबा? बच्चे तुझे एक दिन कहा था ना, तुम दोनों भाइयों का मिलाप देखे बिना ये आग बंद नहीं होगा। नहीं बाबा ऐसा मत कहिए। तेरे यहां अंधेर नहीं है लेकिन बहुत देर कर देते हो कभी कभी। बाबा बाबा मत मारो, मत मारो। बाबा आप? नहीं बेटा इसे मत मारो। आप नहीं जानते बाबा इसके गुनाहों की कहानी इतनी लंबी और भयानक हो गई है कि इसको खत्म कर देना ही अच्छा है। यही भूल मैंने भी की थी, एक बार मैंने भी कानून को अपने हाथ में लिया था। यह सच नहीं है बाबा, वो भी इस कमीने की एक चाल थी। सरला की मौत का कारण भी यही था और इसी ने दीनदयाल को मारा था। आपने तो सिर्फ दीनदयाल की लाश पे गोली चलाई थी। मगर तुम ये सब कैसे जानते हो? इसलिए बाबा क्योंकि आपकी कहानी मेरी कहानी है। मैं विक्रम हूं बाबा, आपका बेटा। मेरा विक्रम, मेरा बेटा। और बाबा इसे पहचानिए, पहचाना इसे। मुन्ना बाबा, मुन्ना आजा बेटे मेरे पास।
बाबा या खुदा मैंने जो दुआ मांगी मेरी दुआ का असर आज नजर आने लगा है जादू सा छाने लगा है जादू सा छाने लगा है।